नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है, शुक्र ने सिंह राशि में प्रवेश किया है और बुध ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ है। शुक्र और बुध का जब भी मिलन होता है, लक्ष्मी नारायण योग उत्पन्न होता है, जो कि बहुत ही अच्छा एक योग ज्योतिष में माना जाता है और ये सिंह राशि में बना है। राशि वाइज इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, देखिए अगर मेष राशि की बात करें, क्योंकि बुध आपके छठे घर का भी लॉर्ड है, जो कि जॉब का स्वामी ग्रह होता है, कंपटीशन का ग्रह है, वो पंचम भाव में आने से, शुक्र के साथ युति होने से एक कंपटीशन से विनिंग आपको दिखा रहा है, धन के मार्ग खोल रहा है, क्योंकि शुक्र दूसरे घर का भी लॉर्ड है, सातवें घर का भी लॉर्ड है, तो बच्चों की एडमिशन, बच्चों की तरफ से कोई खुशी का समाचार आपको मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि 11वें घर पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि है, तो धन के मार्ग भी खोलेगा, व्यापार में आपके वृद्धि भी होगी, वृद्धि के योग भी बनेंगे। बहुत ही अच्छा योग पंचम भाव में हुआ है। पंचम भाव एंटरटेनमेंट का भी होता है, एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपको धन मिलेगा, क्रिएटिविटी की चीज़ों से भी आपको धन का मार्ग खुलेगा और ये बहुत ही शुभ योग मेष राशि के ऊपर बना हुआ है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो लक्ष्मी नारायण योग बना है वो चौथे घर में बना है। चौथा घर जो होता है आपकी मातृ सुख है, प्रॉपर्टी का, वाहन का है, पब्लिक से जो आपको एप्रिसिएशन मिलता है, पब्लिक से हेल्प मिलती है, उसका होता है। अब लगन का लॉर्ड शुक्र बुध के साथ चौथे घर में आ जाए तो घर के अंदर आप कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं और कुछ रेनोवेशन का काम आपके घर में संपन्न होता है। क्रिएटिविटी की चीज़ों से आपको लाभ मिलता है। कोई पार्टी फंक्शंस आपके सेलिब्रेशन घर के अंदर आपके हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार घर के अंदर आकर आपके साथ खाना खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा यहाँ पर फल मिलने वाला है। दशम स्थान पे इन ग्रहों की दृष्टि होने से आपके व्यापार में भी वृद्धि के योग बनेंगे और व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र लगन का भी लॉर्ड है और आपके छठे घर का भी लॉर्ड है, जिसकी वजह से आपको रिश्तेदारों से भी फायदा मिलने वाला है और रिश्तेदारों से भी लाभ मिलने वाला है। काफ़ी सुंदर योग चौथे घर में बना है, जो कि आपके बच्चों की स्टडी के लिए भी अच्छा है। अगली राशि है देखिए मिथुन राशि। मिथुन राशि का बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग जो है तृतीय भाव में बना है। लगन का लॉर्ड बुध थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस होता है मेहनत पराक्रम का, आप अपनी मेहनत पराक्रम से अपने व्यापार को आगे बढ़ाओगे, ऑनलाइन बिजनेस आपका शुरू हो सकता है, जैसे कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग बना हुआ है। नई जॉब की उत्पत्ति हो रही है, आपकी ऑनलाइन इंटरव्यू आ सकती है। शुक्र क्योंकि आपके 12वें घर का भी पंचम भाव का भी लॉर्ड है, तो विदेश से भी आपको फायदा मिल रहा है, तृतीय भाव में है शुक्र और पंचम भाव का लॉर्ड भी तृतीय भाव में होने से, तो आपकी संतान को, आपके भाई बहनों से फायदा मिल रहा है। नवम भाव इन ग्रहों की दृष्टि होने से आपके भाग्य में वृद्धि हो रही है, कई भाई बहनों के साथ आपका घूमने का भी प्लान बन रहा है। अगली राशि है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि का बुध शुक्र दूसरे घर में आपके लक्ष्मी नारायण योग होकर बैठ गए हैं। सेकंड हाउस में जब इन ग्रहों की युति होती है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स से फ़ायदा होता है, आपकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है। ये कुटुंब परिवार में दोनों ग्रह बैठ गए हैं तो परिवार में कोई सेलिब्रेशन फंक्शन होना, पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि होना और 12वें घर का भी लॉर्ड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से आपको बाहर से इनकम आना, तो बहुत ही अच्छा योग जिसको कहते हैं कर्क राशि पर बन गया है। आप देखिए चौथे घर का लॉर्ड शुक्र वो भी आपका और 11वें घर का लॉर्ड सेकंड हाउस में जब होता है तो प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आती है, प्रॉपर्टी से लाभ होता है। आठवें घर पर इसकी दृष्टि होने से आपको अचानक से कहीं से भी धन लाभ मिल सकता है। अगली राशि है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि में बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग होकर आपके राशि से निकल रहे हैं, जो कि आपकी यहाँ पर खुशी का समाचार आपको कहाँ से मिल रहा है, एक तो व्यापार से और आपको 11वें घर से मिल रहा है, दूसरे घर से भी आपको फायदा मिल रहा है, यानी कि आपके लगन में आने से सप्तम भाव पर होने से आपको पार्टनरशिप से कार्य से लाभ मिल रहा है और आपके व्यापार में और साथ में धन के मार्ग भी हो सकते हैं, यानी कि पत्नी आपको कोई खुशी का समाचार यहाँ पर देने वाली है, ये बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। अगली राशि है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि की अगर बात करें तो बुध शुक्र का 12वें घर में ये ट्रांजिट चल रहा है, जो कि आपको विदेश से आपको लाभ देगा,
और बुध क्योंकि लगन का लॉर्ड है, आपकी राशि का लॉर्ड है, 12वें घर में होने से आप कहीं घूमने का प्लान बच्चों के साथ बनाओगे, हो सकता है कि विदेश में आपका जाना बने और विदेश में एंटरटेनमेंट के साधन बने। शुक्र क्योंकि दूसरे घर का भी लॉर्ड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा यहाँ पर दे रहा है। शुक्र आपके नवम भाव का भी लॉर्ड है, नवम भाव हायर एजुकेशन का भी होता है और आपकी लंबी दूरी की यात्रा का भी होता है। क्योंकि शुक्र 12वें घर में है तो आपकी विदेश में आपकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे आपको लाभ मिल सकते हैं। और ये ग्रह जो आपको छठे घर पर दृष्टि होने से आपको शत्रुओं के ऊपर विनिंग भी करा रहे हैं कहीं ना कहीं, और आपके रिश्तेदारों से आपको कुछ शुभ समाचार भी आपको यहाँ पर विदेश से मिल सकता है। अगली राशि है तुला राशि। देखिए तुला राशि का 11वें घर में बुध शुक्र का निर्माण हो रहा है और 11वें घर में इन ग्रहों की जब युति होती है तो आपको एक से ज़्यादा चीज़ों से लाभ मिलता है। लगन का लॉर्ड 11वें घर में होने से आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है और आपकी इच्छा पूर्ति होती है। दूसरा, आपका जो 8वें घर का शुक्र है वो 11वें घर से जब कनेक्ट करता है तो अकॉल्ट स्टडीज़ में अगर है तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। शुक्र क्योंकि 12वें घर का भी लॉर्ड है और सॉरी बुध जो है 12वें घर का भी लॉर्ड है, नवम घर का भी लॉर्ड है, विदेश में आपकी नई नौकरी और जॉब से आपको एक अच्छा पैकेज भी यहाँ पर ये दोनों ग्रह दे सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जो बहुत ही अच्छा बना हुआ है तुला राशि वालों के ऊपर। अगली राशि है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि की अगर बात करते हैं हम तो दशम स्थान में ये दोनों ग्रहों का योग बन गया है। 10th हाउस जो होता है वो मान प्रतिष्ठा का भी होता है, आपकी ईगो का भी होता है, आप जो व्यापार करते हैं उसका भी होता है, नौकरी का भी होता है, तो 10th हाउस सरकार का भी होता है। तो आपको यहाँ पर अपने काम से अप्रिसिएशन मिलने वाला है, नए काम की उत्पत्ति हो रही है, पार्टनरशिप से लाभ मिल रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ व्यापार कर सकते हैं और विदेश से भी आपको यहाँ पर शुक्र लाभ दे रहा है। बुध जो है 8वें घर का लॉर्ड है, दशम स्थान में होने से अगर आप अकॉल्ट स्टडीज़ में है, रिसर्च वर्क में है, किसी प्रोडक्शन हाउस में है तो आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहा है। क्योंकि 4थे घर में आपके इन ग्रहों की दृष्टि होने से आपके घर के अंदर आप अपना ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन के द्वारा आपको अच्छा धन लाभ भी मिल रहा है। धनु राशि की बात करते हैं, धनु राशि के दोनों ग्रह बुध और शुक्र नवम भाव में आपके आगे हैं, आपका भाग्य उदय कर रहे हैं। क्योंकि बुध आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, आपके 7वें घर का लॉर्ड है, इंडिपेंडेंट अगर व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो तो यात्रा के द्वारा आपको यहाँ पर धन लाभ मिलेगा, आपको व्यापार के द्वारा धन लाभ मिल सकता है। शुक्र जो है 11वें घर का भी लॉर्ड है, 6ठे घर का भी लॉर्ड है, आपको धन के मार्ग भी शुक्र यहाँ पर खो रहा है। आपके रिश्तेदारों से आपको कुछ खुशी का समाचार मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में आपकी वृद्धि होगी और आपको यात्रा के द्वारा लाभ मिल रहा है। मकर राशि की बात करते हैं। देखिए मकर राशि की अगर बात करें तो बुध शुक्र आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट करेंगे। 8वां घर होता है रिसर्च वर्क, कोल्ड स्टडीज़, जो गुप्त ज्ञान है वो 8वें घर से ही देखा जाता है। कमीशन आदि की प्राप्ति यहाँ पर अचानक से हो सकती है, जैसे प्रॉपर्टी से कमीशन आ जाना या कोई इंश्योरेंस के काम से कमीशन आ जाना या किसी और ट्रेड से, जैसे आप कोई भी व्यापार करते हैं शुक्र से रिलेटेड, बुध से रिलेटेड, उसमें आपको गुप्त धन की प्राप्ति यहाँ पर दे रहा है। क्योंकि शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव का लॉर्ड है, आपकी संतान को कहीं अच्छी जगह एडमिशन मिल सकती है। दूसरा, आपकी ससुराल पक्ष से आपको खुशी का समाचार मिल रहा है। 10वें घर का लॉर्ड 8वें घर में होने से आप अगर कमीशन बेस पे कोई काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर धन लाभ दे रहा है, यानी कि कुछ सडन गेन आपको यहाँ पर होने वाला है। अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि के जो दोनों ग्रह 7वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, आपकी पत्नी से आपको कुछ खुशी का समाचार मिलेगा और दूसरा, 7वें घर में होने से आपको नए काम की उत्पत्ति होगी और नया काम आपका नए काम में आपको जरूरी फोकस रखना चाहिए और कोई पार्टनरशिप की भी ऑफर आ सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ हो रहा है क्योंकि 4थे घर का लॉर्ड है, 7वें घर में बुध के साथ कनेक्शन बना रहा है, क्योंकि बुध आपका पंचम भाव के लॉर्ड है तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा धन लाभ कमाओगे। 11वें घर से भी रिलेटेड चीज़ों में वृद्धि हो रही है, तो कुल मिलाकर आपको एक से दो चीज़ों में आपको बहुत बड़ा धन लाभ हो रहा है। अगली राशि है मीन राशि। देखिए मीन राशि के दोनों ग्रह शुक्र बुध 6ठे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं और 12वें घर को देख रहे हैं, और 7वें घर का लॉर्ड जब 6ठे घर में होता है तो आपकी कहीं पे भी जॉब्स के प्रति आपकी यात्रा हो रही है, थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में ध्यान रखना है क्योंकि 6ठा घर यहाँ पर जागृत हो रहा है। अदरवाइज़ कंपटीशन में अगर आप जॉब में हैं तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है।
अब जैसे आप दूसरों के पैसे को यूज़ करते हो तो वो छटाकारी देखा जाता है। फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, जैसे आप बैंक के लोन की अप्लाई किया हुआ था तो वो आपका पास हो जाएगा, बैंक से आपको सपोर्ट मिलेगी। तृतीय भाव का भी लोड है, शुक्र छठे घर में होने से आपके रिश्तेदार आपके साथ मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, आपके साथ गेट टुगेदर होगी, पार्टी होगी, तो आपको बहुत अच्छा मीन राशि वालों को यहाँ पर लाभ मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा आपको हेल्थ के प्रति ध्यान भी रखना है। तो बुध शुक्र का ये लक्ष्मी नारायण योग आपकी राशि वाइज इस तरह से आपका बन रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ हम आपसे आगे लेते हैं, नमस्कार।